साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। हर आदमी की शिकायत होती है, खास तौर से जिसको इंग्लिश नहीं आती। आज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आप एयरपोर्ट पे अगर आपको रोक लिया जाता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा, अधिकारियों द्वारा, तब आपको क्या करना चाहिए जिसे आप आराम से इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। इसी से रिलेटेड मैं आज आपसे कुछ टॉपिक पे कुछ बातें शेयर करूंगा, ताकि आप जब भी कभी कोई भी कंट्री, चाहे यूके, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री जब आप भेज दीजिए, इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी तरह की सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश का बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी इमिग्रेशन क्लियर कैसे करें? बहुत सारे लोगों को तो गलत कंट्रीज में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई इंडिया से बाहर निकलते ही हिंदी तो सिटी पिटी गुम हो जाती है, हिंदी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर आप कैसे करें? मान लीजिए आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान, कहीं पर भी जा रहे हैं, इंग्लिश का आपको एक अक्षर भी नहीं आता, फिर भी आप कैसे? अब एक बात आप सोचने लायक बात है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। क्या जापानीज को इंग्लिश आती है? चीनियों को इंग्लिश आती है? मलाई जो मलेशिया में बैठे हैं उसको इंग्लिश आती है? गलप के जो रबाब हैं, क्या इंग्लिश आती? बहुत, अब आप सोचो कि उनको आती है, तो ऐसे तो इंडियन लोगों को भी तो आती है ना इंग्लिश, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जो जनरल आदमी है, जिसको कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको क्या जापानी को इंग्लिश आएगी? नहीं आएगी, वो जापानी लैंग्वेज बोलेगा, हिंदी वाला चीनी वाला चीनी लैंग्वेज बोलेगा। चीनियों को इंग्लिश कहाँ आती है? बिल्कुल नहीं आती। फिर भी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, क्या वो इंडिया में आते हैं तो उनको हिंदी आती है? फिर भी वो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं ना। आप माइंड को थोड़ा पॉजिटिव लो कि जब चीनी आदमी इंडिया में आता है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको चीनी आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी वो क्लियर कर लेते हैं, कैसा क्यों? इसका रीजन मैं बता दूं। आप आराम से बेधड़क ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, जब भी आप कभी जाओ, आपको मौका मिले तो आराम से क्लियर कर सकते हो, नो डाउट। एयरपोर्ट वाले आपको डिपोर्ट, आपके माइंड में ये सवाल होगा कि इमिग्रेशन क्लियर कैसे करें अगर अपने को इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आएगी तो भाई एयरपोर्ट वाले अपने को सवाल करेंगे, तो हो सकता है वो डिपोर्ट कर दे। ये कुछ माइंड में क्वेश्चन आते हैं। इमिग्रेशन क्वेश्चन करता है आपको इंग्लिश नहीं आती, इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे आप प्लेन से उतर के इमिग्रेशन क्लियर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हो, तो आपको चेकिंग के दौरान रोक लिया जाता है, पूछ लेते हैं आपसे। कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल तरीके से रहना है आपको, कोई हाव भाव इधर ये माइंड में जताने की, उनको एहसास करवाने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अपने को इंग्लिश नहीं आती, एकदम नॉर्मल तरीके से जाइए। जैसे वो आपको कुछ पूछें, उससे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट उनके हवाले कर दीजिए। यह तो तय है कि वो डॉक्यूमेंट लेंगे आपसे। आपको क्या, आपका पासपोर्ट, आपकी होटल बुकिंग, आपकी टिकट, आपका बोर्डिंग पास, आपकी शो मनी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप उनको दे दीजिए। जैसे आप ये प्रोसेस उनके बोलने से पहले अगर कर दोगे, तो उनके माइंड में 90% तक ये हो जाएगा कि हाँ, बंदा ओके है, ये डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। पूछ सकते हैं कि किस काम से जा रहे हो, तो आप बता दीजिए सिंपल तरीके से, लेकिन आपको तो इंग्लिश नहीं आती, बताओगे कैसे? इसका एक दूसरा सोल्यूशन मैं बता दूं आपको, 90% क्लियरिटी आपको वहां पे मिल सकती है, आप अगर डॉक्यूमेंट आपने पूरे दे दिए। डॉक्यूमेंट कमी होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा बोलना होता है नो इंग्लिश, नो मतलब अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको टूटी फूटी भाषा में आती है, मेरी लैंग्वेज हिंदी है, आप ये बोल सकते हो, माई लोकल लैंग्वेज इज हिंदी, नो इंग्लिश। इस तरह से आप कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो उनको समझ में आ जाएगा कि बंदे को इंग्लिश नहीं आती, ये हिंदी लैंग्वेज वाला बंदा है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि एयरपोर्ट पे सबको। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि आप ये बोल सकते हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें हिंदी आती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, या तो वो समझ सकते हैं कि उनको हिंदी आती है, क्योंकि वो उनका रात दिन का पैसा होता है। गलत में आप कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओगे, उनको हिंदी समझ में आती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आप लिख के रखें एक पन्ने पे, या अपने घर से किसी से लिखवा के लेके जाएं, जब भी इमिग्रेशन वाले आपसे मांगे तो आप ये डॉक्यूमेंट पकड़ाने के बाद भी अगर सवाल करते हैं तो ये पकड़ा दे भाई, उस पर लिखा होगा इस मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कृपया मेरे से हिंदी में बात कीजिए। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, हर एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको ट्रांसलेशन वाला बंदा मिल जाएगा, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे, उनको लगाया हुआ होता है। अगर आप ट्रांसलेशन की अगर आप मांग कर लेते हैं, तो बाकायदा आपको ट्रांसलेशन, अगर आपको इमिग्रेशन को लगता है डिपार्टमेंट को, तो वो ट्रांसलेशन आपसे आपके पास अब उपलब्ध करवाएंगे, उसको बीच में खड़ा होकर आप उनसे हिंदी में बात करिए, वो उनको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके देगा।
ये 100% मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको। तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90% काम ये हो जाता है, 10% हो जाता है। तो आप हिंदी ट्रांसलेटर की मांग कर सकते हो एयरपोर्ट पे, तो आपको बिल्कुल वो उपलब्ध करवाया जाएगा। वो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधी बात है यार, जापानी, चीनी या फिर कोई भी कंट्री का गल्फ के नॉर्मल आदमी इधर उधर दूसरे देशों में जाते रहते हैं, उसको इंग्लिश आती है नहीं आती, वो ट्रांसलेटर का यूज़ लेते हैं, ट्रांसलेटर रखते हैं अपने पास, या तो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो तो अपने साथ रख लेते हैं, या फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पर आराम से मिल जाता है। लेकिन ये बंदे को नॉलेज होना ज़रूरी है तब वो, बाकी भाई हाई प्रोफाइल जो पढ़े लिखे होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, जो कम पढ़े लिखे इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आराम से आपका एयरपोर्ट क्लियर हो सकता है, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे कनाडा जाओ, चाहे सिंगापुर जाओ। तो मेरे हिसाब से साथियों ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जब भी कभी मौका मिले आपका कमाने के लिए या विजिट में घूमने के लिए तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के सही जानकारी, सही मोटिवेशन वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।